दो केले हैं पके हुए, केले का छिलके उतार लेंगे, केले का छिलके उतार लिए हैं, पके हुए केले को मैसेंगे। पके हुए केले को हमने मैस लिया है, पके हुए केले को बॉल में डालेंगे। पके हुए केले को बॉल में डाल दिए हैं, 5 चम्मच चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे। चीनी को केले के साथ मिक्स कर लिए हैं, पके हुए केले को चीनी के साथ मिक्स कर लिए हैं। आधा कटोरी दूध डालेंगे, दूध को मिक्स करेंगे अन्य सामग्रियों के साथ। इन सारे सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं। आधा कटोरी आटा डालेंगे, गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, बैटर गाढ़ा है, घी गरम हो गया है, बैटर को कढ़ाई में डालेंगे। बैटर को कढ़ाई में डाल के फैलाएंगे। अब इस पर सफेद तिल डालेंगे। पैन केक को मीडियम आंच पे सेकेंगे। पैन केक किनारे किनारे पक गया है, अब इसे पलटेंगे। उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। फ्लेम को अब लो कर देंगे। पैन केक को उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। पैन केक पक गया है, अब इसे थाली में रखेंगे। इसी तरह पैन केक को कढ़ाई में डाल के फैलाएंगे। पैन केक में तिल डालेंगे, इसे चला देंगे। अब इसे पलटेंगे, पलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। फ्लेम को लो कर दिए हैं, पैन केक फूल गया है। पैन केक को घुमा घुमा कर सेकेंगे, अब इसे पलटेंगे, पलट पलट कर दोनों ओर से सेक लिए हैं।